शहर के अजगर बाबा गायत्री नगर लिंक रोड स्थित गायत्री नगर द्वितीय में पानी निकासी की समस्या के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कॉलोनी के हालात ये है कि एक तो बरसात का पानी तथा दूसरा नायरा पेट्रोल पंप के यहाँ लीकेज पाइपलाइन का सारा पानी उक्त कॉलोनी में आता है। क्षेत्रवासी भिकम चंद जहांगीर ने बताया कि कॉलोनी में पानी निकासी के लिए बनाई गई नाली की समय पर साफ सफाई नहीं होने के कारण सारा पानी नाली से बाहर ओवरफ्लो होकर गलियों में बहने लगता है। जहांगीर ने बताया कि क्षेत्र में बने मकानों के लेवल के कारण नाली का लेवल काफी नीचा हो गया है, जिसके कारण नाली में मिट्टी घुस जाती है और सफाई के अभाव में पानी आगे पास नहीं हो पाता है। जहांगीर ने बताया कि क्षेत्र में एक छोटे से टुकड़े में सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्र में पानी के कारण हर समय कीचड़ भरा रहता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में मौसम बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। क्षेत्रवासी भिकम चंद जहांगीर ने नगर परिषद प्रशासन तथा स्थानीय पार्षद से उक्त क्षेत्र की शुद्ध लेने तथा नाली की साफ सफाई करवाने की मांग की है। साथ ही शेष रहे छोटे से टुकड़े पर सड़क बनवाने की भी मांग की है। ये जो विरल पेट्रोल पंप के पास में कोई पाइपलाइन फूटी हुई है, उसका सारा पानी जो बह करके सीधा मेरी गली के अंदर, यहाँ मतलब जो यहाँ मैं खड़ा हूँ उस गली के अंदर आ रहा है। और ये जो नाला मेरे पास में जो मेरे घर के सामने से होकर के जो नगर परिषद के द्वारा जो नाला बनाया गया है, उसकी लेवल भी सड़क के लेवल से नीचे है, तो सारी मिट्टी बह करके बरसात के दिनों में उस नाला बंद हो जाता है। और नगर परिषद के लोग मतलब जो कर्मचारी भी इस मौसम में सफाई की तरफ बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पड़ोस में जो मकान बनाया उन्होंने इस नाले की लेवल ऊंची कर दी, तो इसलिए और समस्या पैदा हो गई कि वो पानी मतलब जो रुक जाता सारा और पानी आगे जा नहीं रहा, न मिट्टी जाती, इसके कारण ये बड़ी भारी समस्या है। और मैं ये जो एक लोकेशन है दिनेश जी जो अपने वकील साहब हैं इनके मकान के पास में, और उधर ये जो टाटगढ़ रोड पोस्ट ऑफिस है उसके सामने जो गायत्री नगर सेकेंड है उसकी ये समस्या है। और ये जो रोड है, इस रोड के ऊपर भी कई बार अभी ये जबकि मेरा मकान सबसे पहले पूरे एरिया के अंदर सबसे पहला मेरा मकान बना हुआ है, उसके बावजूद इतना सा टुकड़ा बाकी रखा हुआ है। पूरे मैं सब जगह पक्की सीमेंट सड़क बनी हुई है पर मेरे मकान के सामने आज तक सड़क नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई गई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड नियर मिशन ग्राउंड ब्यावर। शर्त लागू। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड नियर मिशन ग्राउंड ब्यावर। शर्त लागू।